सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल पे क्लिक कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हैं मोबाइल आरसी के। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था J2 मोबाइल का, ठीक है। J2 मोबाइल का मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि क्या हुआ कि मेरे हाथ से ये वो डिलीट हो गया, वो गलती से स्टोरेज फुल होने की वजह से वो डिलीट हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या, J2 पे फ़ोन जैसे अपन यहाँ से ऑन करते हैं फ़ोन को, मोबाइल को जैसे ऑन करते हैं तो ऑन स्क्रीन पे आपको ओनली J2 से आगे सेट नहीं बढ़ता है, तो मोबाइल आगे नहीं बढ़ता है। इसके अनुसार ही मैंने उस वीडियो को बनाया था, इसी और इसी सेट का वीडियो था वो। लेकिन वो दिक्कत क्या होती है और वो हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है, वो किससे कंप्लीट फ़ोन हो जाएगा, वो मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन किसी कारणवश वो मैंने स्टोरेज की वजह से दूसरे वीडियो डिलीट कर रहा था, हाथ से वो भी डिलीट हो गया। तो इसलिए मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका फ़ोन है, आप जैसे इसको ऑन करते हैं, इसको जैसे ही फ़ोन को ऑन करते हैं तो ओनली स्क्रीन पे ओनली J2 लिखा हुआ आएगा और आगे नहीं बढ़ेगा सेट। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको चेक कर लें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को चेक करना है। सबसे पहले आप इस कनेक्टर को, LCD का जो कनेक्टर है इसको खोल देना है। इसको जैसे आप इसको, मैं जैसे कि खोल देता हूँ, इसको खोल देंगे ना तो फिर आप जैसे बैटरी लगाएंगे तो बैटरी में फ़ोन जैसे पूरा सेट ऑन होगा, और अगर पूरा सेट ऑन हो के आपकी अगर स्पीकर में आवाज़ आ जाती है सैमसंग की, तो समझो कि आपके LCD की ही दिक्कत है। और आप जैसे LCD वापस लगा, बैटरी निकाल के वापस लगाएंगे तो LCD वापस लगाएंगे, फिर आप बैटरी लगाएंगे फिर ऑन करेंगे तो वो J2 भी फिर से रुक जाएगा। दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, नहीं आपको सॉफ्टवेयर कराना है और ये है हार्डवेयर। आपको सेट को पूरा खोलना है, पहले तो बोर्ड निकाल देना है और इसके LCD को पूरी निकालनी है। इसके LCD को निकाल के इसके बैक साइड में जो आपके टच रहती है, जहाँ पे आपका टच का कनेक्टर रहता है, वहाँ पे दोस्तों पानी लग जाता है। वो पानी की वजह से ही ये वाटर डैमेज ही रहता है सेट के, इसके अनुसार ही होता है। तो आप उसको कुछ नहीं करना है, आप वहाँ से बढ़िया क्लीन करें, या फिर अगर ज़्यादा ही सोल्डिंग ख़राब हो रही हो या ज़्यादा ही कार्बन आ गया हो तो आप वहाँ पे बढ़िया साफ करके फिर हल्की हल्की पेस्ट लगा फिर सोल्डिंग कर दें तो 101% हो जाएगा। मैंने कल के दिन में 3 मोबाइल करे हैं, लेकिन तीनों के बाद मैंने फर्स्ट वीडियो इसी का लिया था और रात को मैं वीडियो डालने जा रहा था, उससे पहले कि वो मेरा वीडियो, मैंने स्टोरेज फुल था, इसकी वजह से मेरे मोबाइल से वो डिलीट हो गया, मेरे हाथ से डिलीट हो गया। इसकी वजह से मैंने वापस से मैं बोला एक बार मैं बता दूँ, आपको विश्वास हो रहा नहीं हो रहा, आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको विश्वास करना तो मेरे करते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर करेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक ही है, आपका मोबाइल कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कल के दिन में 3 मोबाइल करे हैं, कंप्लीट हुआ किसी में कोई, और सेम टू सेम ही दिक्कत जो अभी मैं आपको जो दिक्कत बता रहा हूँ, जो आप जैसे ही ऑन स्क्रीन पे आपको J2 ही नज़र आएगा वही है। तो दोस्तों आप बिल्कुल श्योर है 100% हो जाएगा आपका मोबाइल, आपको सॉफ्टवेयर कराने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर अगर होगा तो सेट पूरा ऑन होगा, आपको आवाज़ भी नहीं आए, आप जैसे कनेक्टर ऑन कर निकालेंगे तो उसमें आवाज़ भी नहीं आएगी, क्योंकि वो आगे चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो J2 पे अगर रुका हुआ है तो वो हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वो। तो आप ये जरूर करें तो आपका काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो जरूर पसंद, और दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, बेल आइकन के बगैर मेरे वीडियो आपको जल्दी से मिलेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, इसके हिसाब से आप ज़रूर बेल आइकन दबा दें। बाय बाय।